दोस्त, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी मैं टॉपिक लेके आया हूँ। सो आज की वीडियो बहुत अच्छी है, इसमें आप अरबी बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं हिंदी में। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्लेल बिल्लेल, हम लोग सऊदी अरबिया में आते हैं तो अरबी में बोलते हैं बिल्लेल। तो बिल्लेल का मतलब होता है हिंदी में रात, ये रात। अगर कबीला आपको बोलता है बिल्लेल तो बिल्लेल का मतलब होता है रात। नहार नहार, अगर कबीला आपको बोलता है नहार नहार तो नहार का मतलब होता है दिन। हम लोग हिंदी बोलते हैं दिन, हिंदी में बोलेंगे दिन दिन, तो इसको अरबी में बोलते हैं नहार। दोस्त, वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप अरबी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को फुल वॉच करना ज़रूर। दोस्त, हम लोग बोलते हैं सबा सबा सबा, बोलते हैं अरबी लफ्ज़ में सबा। तो सऊदी अरबिया में अगर आप आते हो तो यहाँ पर अगर आप बोलते हो सबा तो इसका मतलब होता है हिंदी में सुबह सुबह। हम लोग बोलते हैं सुबह, हिंदी में सुबह, हिंदी में सुबह, अरबी बोलेंगे सबा। सबा का मतलब सुबह। बाद मगरिब बाद मगरिब बाद मगरिब, हम लोग बोलते हैं बाद मगरिब, ठीक है। शाम कोई लोग बोलता है बाद मगरिब, शाम यानी बाद मगरिब, हिंदी बोलेंगे शाम शाम। तो ये लोग शाम को नहीं बोलता, शाम के लफ्ज़ को यूज़ करता है बाद मगरिब बाद मगरिब। दोस्त, अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने इस चैनल पे हमेशा मैं अच्छी अच्छी अरबी टॉपिक में लेके आता हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो देखो, इसमें आप लोग अरबी सीखो। बुकड़ा बुकड़ा, यहाँ अगर सऊदी अरब में अगर आते हो तो आप कपिल के घर में रहोगे तो कपिल आपको बोलेगा बुकड़ा, कोई भी चीज़ होगा तो कहेगा बुकड़ा। तो बुकड़ा का मतलब होता है हिंदी में कल कल, बुकड़ा बोलेगा अरबी में, हिंदी में कल। अगर कोई चीज़ होता है, अगर आपको बोलता है कभी बाद बुकड़ा बाद बुकड़ा, तो बाद बुकड़ा का मतलब ध्यान लेना कि आपको कह रहा है वो परसों परसों बाद बुकड़ा यानी परसों। अरबी में आपको बोलेगा कभी बाद बुकड़ा, ध्यान से सुन लेना, बाद बुकड़ा यानी परसों। यो हम आप बात करेंगे दिन का, दिन में कैसे कैसे बोलते हैं, सोमवार मंगल बुध जुमरात कैसे बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे योम अहद योम अहद योम अहद यानी इतवार, योम अहद यानी के इतवार। योम इतनैन योम इतनैन योम इतनैन, अगर बोलेगा कपिल आपको तो योम इतनैन का मतलब हुआ सोमवार सोमवार सोमवार। योम इतनैन यानी सोमवार। दोस्त, अरबी सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर नए आदमी हो आप लोग तो खास करके आप लोगों को ज़रूरी होता है अरबी सीखना। योम तलाता योम तलाता, कपिला अगर कोई आपको बोल रहा है कोई भी चीज़ के लिए योम तलाता, तो योम तलाता का मतलब होता है मंगलवार। योम तलाता यानी के मंगलवार, ध्यान से सीखना भाई देख वीडियो। योम अरबा, अगर इसमें भी कपिल आपको बोलता है कुछ होता है और कपिल आपको बोलता है योम अरबा योम अरबा, तो योम अरबा का मतलब होता है योम का मतलब, ठीक है, दिन होता है, ठीक है। अरबा योम अरबा यानी के बुधवार, योम अरबा बुधवार। योम खमीस योम खमीस, कपिल के साथ हो कपिल आपको बोलेगा कभी भी कोई चीज़ के लिए योम खमीस योम खमीस, तो आप उसमें समझ जाना कि आपको कह रहा है वो जुमरात, ठीक है। ध्यान से देखना कि आपको कहेगा वो जुमरात, ठीक है। उसके बाद आपको योम खमीस यानी जुमरात, जुमा आएगा तो बोलेगा योम जुमा, तो जुमा तो हम लोग भी समझते हैं, इंडिया में भी जुमा बोलते हैं, यहाँ भी जुमा बोलते हैं, तो योम जुमा यानी कि जुमा का दिन, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है मेरे दोस्त। योम सप्त योम सप्त योम सप्त का मतलब, अगर आपका पिल आपको बोलता है योम सप्त, तो योम सप्त का मतलब होता है शनिवार शनिवार, योम सप्त यानी शनिवार। दोस्त, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे आवाज़ में वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे अच्छा नहीं जाते तेज़ आवाज़ में, क्योंकि सऊदी लोग बहुत होता है। सुबह सुबह सुबह, अगर आप यहाँ कपिल के पास रहोगे कपिल घर में हो, कपिल अगर आपको बोलता है सुबह या हादा सुबह या थानी सुबह, तो इसका मतलब होता है हफ्ता। सुबह बोलने का मतलब होता है हफ्ता हफ्ता यानी क्या, तो सुबह यानी हफ्ता, ध्यान से देखना। कोई भी चीज़ अगर बोले सुबह तो हफ्ता। शहर शहर, अगर कपिल आपको बोल रहा है शहर, तो शहर का मतलब होता है महीना, शहर का मतलब महीना, ध्यान से देखना। शहर बोलने लगा कपिल तो का मतलब होता है महीना। सना सना, कपिल अगर आपको बोलता है सना, तो उसका मतलब होता है साल साल, ठीक है।
शहर का मतलब होता है महीना, और सना का मतलब होता है साल, सुबह का मतलब होता है हफ्ता। तो यह समझ लेना, सना यानी कि हिंदी में साल। जदीद अगरात, जदीद अगरात, कभी अगर आपको कोई चीज़ के लिए बोलता है कि जदीद अगरात, तो जदीद का मतलब होता है नया, अगरात का मतलब होता है सामान, ठीक है। जदीद अगरात, नया सामान, नया सामान, जदीद यानि नया, अगरात यानि सामान। गदीम अगरात, अगर आपको बोलता है कभी कभी भी कोई चीज़ के लिए, गदीम अगरात, गदीम, तो गदीम लफ्ज़ आता है पुराना सामान को, ठीक है। गदीम यानि पुराना, अगरात यानि सामान। कभी भी कभी आपको अगर बोलता है गदीम, गदीम, तो गदीम का मतलब समझना कि आपको कह रहा है पुराना सामान, गदीम यानि पुराना सामान। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा अच्छी अच्छी मैं वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।